नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। ए मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का और बी एक मैट्रिक्स है, सच दैट ए का ट्रांसपोज इनटू बी एंड बी का बी इनटू ए का ट्रांसपोज बोथ आर डिफाइंड, देन राइट द ऑर्डर ऑफ बी। बी का हमें ऑर्डर बताना है। तो देखो ए का ऑर्डर क्या दिया है, 2x3। बी का ऑर्डर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एम बाई एन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जब डिफाइंड है तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी ना ये डिफाइन हो रहा है। चलिए तो ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, तो ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/2 हो जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है और बी का नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब एम का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बी इंटू ए का ट्रांसपोज इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होने का मतलब यह हुआ कि B का नंबर ऑफ कॉलम A के नंबर ऑफ रॉ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो B का नंबर ऑफ कॉलम N है और A के ट्रांसपोज का नंबर ऑफ रॉ 3 है, तो N का वैल्यू 3 हो जाएगा। देयरफॉर यानी B का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, M बाई N यानी 2/3 हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन।